कांग्रेस ने फिर कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है और बड़ी ही बेशर्मी से मोदी सरकार से हिसाब मांग रही है। लेकिन मोदी जी की तो हर एक मिनिस्ट्री, हर एक क्षेत्र का हिसाब उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। मोदी जी ने काम किया है, इसलिए वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पूरे देश के समक्ष रखा है। और कांग्रेस को देखिए, वो किस मुंह से हिसाब मांग रही है, और अगर मांगनी है तो पहले कांग्रेस हिसाब दे कि उनका शहजादा राहुल गांधी और राजमाता नेशा हेरान को 50 लाख देकर लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा के मालिक कैसे बन गए। कांग्रेस कहती है कि नेहरू ने एम्स बनाए थे, तो क्यों सोनिया गांधी हर छोटे इलाज के लिए विदेश भागती है। प्रियंका वाड्रा ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में पंचायत का चुनाव भी नहीं जीता, फिर किस आधार पर उसे यूपी में पार्टी अध्यक्ष बना दिया। उसका पति रॉबर्ट वाड्रा पीतल का छोटा मोटा काम करके अरबपति कैसे बना, ये चमत्कार कैसे हुआ, जरा कांग्रेस हिसाब दे। राहुल गांधी जरा उन नामों की लिस्ट सार्वजनिक करे जिनसे वो विदेशों में छिप छिप कर मीटिंग करता है। कांग्रेस ने 30 साल पहले अमेठी में मात्र 600 रुपए में सरकारी जमीन ली थी, वहाँ अस्पताल बनाने की जगह अपने लिए गेस्ट हाउस क्यों बना लिया। कर्नाटक और हिमाचल में सस्ती बिजली का वादा किया था, तो वो बिजली अचानक महंगी क्यों हो गई? क्या उसका हिसाब देगी कांग्रेस? आज 1 लाख नौकरी देने की बात करने वाला राहुल गांधी जरा हिसाब दे, उसने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कितने लोगों को रोजगार दिया है। सरकार बने 1 साल नहीं हुआ कि कर्नाटक का बेंगलुरु पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। कांग्रेस ने किस खुशी में दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्त को दे डाली, पहले इसका हिसाब दे। दोस्तों के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकालने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में क्यों नहीं जागती? अगर वाकई कांग्रेस ने ईमानदारी से काम किया होता तो वो आज सत्ता में होती, विपक्ष में नहीं। कांग्रेस की फितरत कभी देश हित में न थी और न कभी होगी।